हिंसा में 6 लोगों की मौत, 116 गिरफ्तार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को कहा कि नूह में हिंसा के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है और इस मामले में 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने शांति की अपील की है। चीन ने चेन्नई में हुए G20 पर्यावरण व जलवायु मंत्रियों के सम्मेलन में विज्ञप्ति न होने पर खेद जताया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हाल में भारत के चेन्नई में समाप्त हुए G20 पर्यावरण व जलवायु मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में संबंधित सवाल के जवाब में कहा कि चीन इस सम्मेलन में विज्ञप्ति न होने पर खेद व्यक्त करता है। ईशान किशन एलीट ग्रुप में भारत ने जीती वनडे सीरीज। सलामी बल्लेबाज ईशान किशन सिर्फ 6 खिलाड़ियों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गए। भारत ने यहां तीसरे वनडे में कैरेबियाई टीम पर 200 रन की शानदार जीत के साथ वेस्टइंडीज के एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीत ली। ऋतिक रोशन ने शेयर की अपनी विंटर गर्ल। एक्टर ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में छुट्टियों मना रहे हैं। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर छुट्टियों की एक तस्वीर साझा की और एक सेल्फी क्लिक करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड सबा को विंटर गर्ल में टैग किया। सेंसेक्स 600 अंक से अधिक टूटा, 66,000 अंक से नीचे आया। BSE सेंसेक्स बुधवार सुबह 600 अंक से अधिक गिरकर 66,000 अंक से नीचे लुढ़क गया। सेंसेक्स 628 अंक नीचे 65,830 अंक पर कारोबार कर रहा था। 30 में से सेंसेक्स के 27 स्टॉक लाल निशान के नीचे कारोबार कर रहे हैं, जिनमें NTPC और टाटा स्टील 2% से अधिक नीचे हैं।